हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। इस चैप्टर में एक कॉमिक जिससे होती है ना, कॉमिक बुक होती है, उसमें जिस टाइप से दिया होता है उसी टाइप से इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। ये जो सीज़न चल रहा था इस चैप्टर में, वो चैप्टर में सीज़न था हिल्स ऑफ फिश का। तो हिल्स ऑफ फिश इतनी ज़्यादा फेमस थी, लोगों को पसंद भी थी, इसीलिए जो फिशरमैन थे मछली पकड़ने वाले, वो कुछ भी और नहीं सोच सकते थे बजाय के हिल्स ऑफ फिश के। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्स ऑफ फिश इज़ डाउन टूडे। जो फिश मॉन्गर्स थे, मतलब फिश बेचने वाले थे, वो कुछ भी नहीं बेचते थे बजाय हिल्स ऑफ फिश के। और वो बोलते रहते थे कि आज जो डाउन है प्राइस, आओ फटाफट आके हिल्स ऑफ फिश को ख़रीद लो। हाउस होल्डर्स कुड स्टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। और जो घर में रहने वाले लोग थे, वो भी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्स ऑफ फिश के बारे में बात करते थे। वो पूछते थे कि जो फिश मतलब बेचने वाले थे उनके पास जाते थे कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि तुम मतलब एक दूसरे से बात करते थे कि तुमने कितने की खरीदी। फिर दूसरा बोलता था कि इफ़ यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, वो कहता था कि तुम बिलीव ही नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। और जो किंग का जो पैलेस था, वहाँ पे भी जो राज दरबारी थे, वो भी कुछ और बात नहीं करते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्स ऑफ फिश के बारे में बात कर रहे होते थे। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। फिर वो राजा से बोलते हैं कि योर मेजेस्टी, महाराजा आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने कितनी बड़ी हिल्स ऑफ फिश जो है वो पकड़ी। स्टॉप इट। जो किंग होते हैं वो थोड़े से इरीटेट हो जाते हैं, हर तरफ हिल्सा फिश, वो परेशान हो जाते हैं कि हर कोई हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा है। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम एक कोर्टियर हो, राजदरबारी हो, या फिर एक मछुआरे हो। कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउन कास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। फिर क्या होता है, किंग उस पर चिल्ला देता है कि मतलब तुम मछुआरे हो क्या। तो ये सुन के कोर्टियर जो है वो बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। और फिर किंग को भी लगता है कि उसने ज़्यादा बोल दिया। फिर किंग बोलता है आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। मतलब फिर वो कहता है कि सॉरी बोलता है कि मैंने इतना गुस्सा कर दिया है, मगर ये सीज़न हिल्सा फिश का चल रहा है और हर कोई सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बात कर रहा है और मैं थोड़ा इरीटेट हो रहा हूँ। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो वो इनके काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कोर्टियर होते हैं, तो फिर बोलते हैं कि जो गोपाल है ना, ये भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक नहीं सकता है 5 मिनट के लिए भी। तो फिर गोपाल बोलता है ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो फिर जो गोपाल होता है वो कहता है राजा से कि योर मैजेस्टी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे कुछ समय के लिए। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो फिर अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे पैलेस में लाओ, मेरे महल में लाओ एक बड़ी सी हिल्सा फिश बिना किसी के तुमसे पूछे कि तुम्हारे हाथ में क्या है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो वो जो है गोपाल वो बोलता है कि मैंने जो आपका चैलेंज आपने मुझे दिया है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिनों के बाद वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो फिर हिल्सा जो गोपाल होती है उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम, कुछ दिनों बाद की बात होती है, गोपाल जो है अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है और उसको हाफ शेव कर लेता है, देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने अपना जो फेस है वो हाफ शेव क्यों किया है। तो वो बोलता है कि मैं जो है ना हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। तो व्हाट्स द मैटर विद यू, आर यू शिमरिंग योर सेल्फ विद ऐश। फिर वो कहते हैं कि फिर वो क्या होता है कि ऐश अपने मुंह पे रगड़ने लगता है गोपाल। फिर उसकी वाइफ फिर से पूछती है कि तुम अपने मुँह पर क्या हो गया, तुम्हें तुम अपने मुँह पर ऐश क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। फिर क्या है, वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट प्रॉबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स, वट आर यू अप टू। फिर वो फिर से बोलती है कि तुम ये ऐसे गंदे से कपड़े पहन के तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें हो क्या गया है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम गोइंग टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। फिर वो गोपाल फिर से बोलता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी सी हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। फिर वो बाहर चला जाता है और बोलता है इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। फिर उसकी वाइफ बोलती है कि ये तो लगता है कि पागल ही हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने जो है हिल्सा फिश खरीद लेता है और वो जाने लगता है हिल्सा मतलब पैलेस की तरफ। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। फिर एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि देखो मम्मी उस आदमी की तरफ, देखो कैसा वो अजीब सा मजाकिया टाइप का लग रहा है।
ही मस्ट बी अ मैड मैन. कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ शायद कोई पागल होगा, हाँ आई थिंक ही इज अ मिस्टेक. दूसरा कहता है कि शायद ये कोई सन्यासी है. व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, जब गोपाल जो है कोर्ट के पास पहुंचता है, जो कोर्टियर्स होते हैं बाहर जो सैनिक होते हैं उससे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, वो कहता है कि मैं किंग को किंग से मिलना चाहता हूँ. तो वो जो दरबारी होते हैं, मतलब बाहर जो सैनिक खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम किंग से नहीं मिल सकते हो. फिर गोपाल क्या करता है, डांस करने लगता है, गाना गाने लगता है बहुत ही तेज से चिल्ला करके. फिर पैलेस के अंदर क्या होता है कि द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी. फिर जो आपस में वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इसको भगा दो ये पागल है, वो फिर से बोलता है कि मुझे तो भाई राजा से मिलना है. फिर राजा बोलते हैं कि ठीक है कि उस आदमी को अंदर लेके आओ. फिर वो सैनिक होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ले आते, मतलब ले आते हैं वो अंदर. गोपाल को अंदर लाया जाता है. फिर बाकी लोग जो बोलते हैं कि अरे ये तो गोपाल है, इसको क्या हो गया है, क्या इसने इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल हो गया है. फिर वो दूसरा एक कोई बोलता है कि ये फिर से इसका कोई फालतू का जो जोक है जो ये करता रहता है. ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुल फैशन. फिर जो राजा होता है वो बोलता है कि गोपाल ठीक है बहुत हो गया है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहन रखे हैं अजीब सी. योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग. फिर गोपाल कहता है कि योर मेजेस्टी आपको लगता है कि शायद आप कुछ भूल रहे हैं. फॉरगॉटन समथिंग, राजा सोचने लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैड स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश. फिर वो सबको कहता है कि आज बड़ी अजीब सी चीज़ है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं बात कर रहा है, सबके सब सिर्फ मेरे बारे में बोले जा रहे हैं. मैं रस्ते से घर से रस्ते से लेकर पैलेस तक आ गया, किसी ने हिल्सा फिश का नाम तक नहीं लिया. फिर राजा जो होते हैं, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और तभी राजा को याद आ जाता है जो उसने चैलेंज दिया था गोपाल को. फिर वो बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक इम्पॉसिबल चीज़ को अचीव कर लिया है. फिर इस तरीके से वो शाबाशी गोपाल को दे दें. तो हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.